पुराना वाला यहाँ पे देखिए, यही टूट गया था ना, ये जो बांधा खुलवाया ही नहीं है इसको, देखिए ग्रीस लगा दिया ऐसा, लाल कलर यहाँ पे ग्रीस नहीं है सर, हम कभी आज तक इसको बाहर खुलवाए ही नहीं। कार चलाते हैं यार तो कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि रिपेयर्ड मास्टर सिलेंडर जितना है भाई, ये देख रहे हो वो हाथ दे रहा है, लाइट जलाया हुआ है, फरवर पीछे वाले को नहीं देखा, मतलब इतना बड़ा बकचोद होता है ना कोई कोई, दो चार बार हल्का हल्का पंप है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संडिलिया ब्लॉग्स। तो गाइज आज 5th of January है, और यार आज का जो ब्लॉग है मैं जा रहा हूँ आज कार से, इसका आप अगर वीडियो देखे होगे तो यार एक वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें ये इशू हो गया था, एक दिन मैं जब घर से आ रहा था तो यार इसका जो क्लच प्लेट है ना, जो क्लच होता है ना वो फेल हो गया, दैट मीन्स इसका मास्टर सिलेंडर और जो होता है क्लच का वो ख़राब हो गया, खुद ब खुद ख़राब हो गया था, चलते चलते ख़राब हो गया था, तो टो करके इसे ले गया गया था, तो लगभग 3 महीने हो गए उस इंसिडेंट को, और 3 महीने से ऑर्डर दिया गया हुआ था मास्टर सिलेंडर का, मास्टर सिलेंडर तब सिर्फ रिपेयर कर दिया गया था। तो मैं अभी हूँ गोपालगंज में, और गोपालगंज के मुसाफिर हुंडई में मैं अभी जा रहा हूँ। तो यार ठंड बहुत है, आज का मौसम अगर आपको मैं दिखाऊंगा अभी, तो कल मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बोला क्या जो आप आ जाओ मैं कर दूंगा, मैं बोला चलो ठीक है यार, क्योंकि बहुत दिनों से हो गया है, और इसके कारण क्या होता है ना, जब भी कार चलाते हैं यार तो कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि रिपेयर्ड मास्टर सिलेंडर जितना देर चल रहा है बस चल रहा है। तो चलो यार अभी मैं चल रहा हूँ मुसाफिर हुंडई, आज का मौसम पहले आप देखो यार बहुत ख़तरनाक वाला मौसम है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुहासा लग गया यार आज, आज का मौसम जो है ना बहुत ठंड वाली मौसम है आज, कार के अंदर उतना तो पता नहीं लग रहा है पर जब बाहर थे यार आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो यार, मास्टर सिलेंडर का जो इशू था ना यार बहुत दिनों से था, मतलब इसके कारण सही से यार मैच सिलेंडर का जो इशू था बहुत दिनों से था, 3 महीने हो गए थे यार ऑर्डर दिए हुए पर पूरे इंडिया में कहीं नहीं था, इन्होंने बहुत पूछा, वो भी कल बोले पटना से मंगवा रहे हैं यार आप आ जाओ, नहीं लगवाओगे तो बाद में मुझे कहना मत अब वैसे भी अभी वारंटी में है, और लास्ट टाइम जो ख़राब हुआ था इन्होंने बोला यार आना, इसका एक जो बस लगाने का जो चार्ज होगा वो एक देना पड़ेगा, और ऐसे जो पार्ट्स है उसके कोई चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि यार जो हुंडई है वो कवर करती है 3 साल का वारंटी। ये थावे मंदिर थावे का पीछे ही रह गया है, क्योंकि वो जो गोलंबर आता है टॉल प्लाजा के पास वहाँ से राइट मंदिर है, पर असल में जो थावे वाला जो क्या कहते हैं ना उसको चौक, हाँ वो यही है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक लगना ये निश्चित है यार, अभी पीछे हर खलिया में रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे ट्रैफिक था और बहुत जाम, वहाँ तो लगता है तो भाई रुला देता है, बोले ना एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे वहाँ पे रुकना पड़ता है। और भैया कभी भी थावे आते हो, थावे का भैया गुजिया खाया खाओ, ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप उधर लाइन से अगर मेरे पीछे अगर देखते तो गुजिया का बहुत सारा दुकान आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और बहुत यहाँ का बहुत ही फेमस है, प्रसाद के रूप में भी लोग चढ़ाते हैं, अगर दूर दूर से आते हैं तो उसे लेकर भी जाते हैं। और ए कुत्ते और भैया वैसे भी लास्ट वीडियो अगर मेरा आप देखे होगे तो यार गोपालगंज में बहुत सारे स्वीट्स खाने को मिलता है यार, वो खासकर हथुआ मीरगंज में यार बहुत, मैंने वीडियो बनाया है वहाँ के जलेबी के बारे में, आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप जाओ यार देखो। काफ़ी लेट हो गया यार, 12 बजने वाला है,
देख रहे हो, वो हाथ दे रहा है, लाइट जलाया हुआ है, फिर पीछे वाले को नहीं देखा है, मतलब इतना बड़ा बकचोद होता है ना कोई कोई यार, सच में बता नहीं सकते हैं। अब इसमें आगे वाले की कोई गलती नहीं है, वो लाइट जलाया हुआ है बेचारा, हाथ दिया हुआ है, फिर भी पीछे वाला क्या कर रहा है, अब ऐसे में एक्सीडेंट हो जाए। कल मैंने देखा था जब मैं लास्ट वीडियो बना रहा था, वो जो यहाँ पे जलेबी वाला वीडियो है अगर आप लास्ट देखोगे, उसमें भी जब मैं निकलता हूँ वहाँ से खाकर, तो आप देखोगे एक कार वाले को पकड़ा हुआ था। यार कहीं भी गलती करो गाड़ी वाले ही पकड़ाएंगे, गलती किसी और की हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बस यही है। अब क्या था, जो ड्राइवर चला रहा था वो तो छोड़ के भाग गया था कल। बिहार में जो है फिर से कोरोना का गाइडलाइन जारी हो गया है, जानते हो गए यार, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन फिर से इम्पोज किए गए हैं। रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा, और दुकानें 8 बजे बंद हो जाएगी, सिर्फ जरूरतों की दुकानें ही खुली रहेंगी उसके बाद। मॉल, शॉपिंग मॉल या जिम या जो भी चीज़ थे वो सब बंद कर दिए गए फिर से। है क्या, ये तो खुला है भैया, ये तो खुला है। सासा मूसा, कुचाय कोट, बथना कुटी, जलालपुर, तुम ही राजवा, परौना, गोरखपुर, कुशीनगर, लखनऊ। तो ये है भैया कुशीनगर, गोरखपुर, लखनऊ जा सकते हो इधर से आप। फाइनली मुसाफिर हुंडई पहुंच चुके हैं, यही है मुसाफिर हुंडई। ताला बंद है क्यों भाई, ताला क्यों बंद है, एंट्री करना है, बंद है शायद, वो जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन जो आए हैं ना उसके कारण ये बंद। फाइनली मुसाफिर हुंडई पहुंच चुके हैं, अंदर चलते हैं, बात करते हैं वहाँ के मैनेजर से जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था, फिर बताते हैं उन्होंने तो फाइनली ये जो पार्ट्स है यही पार्ट्स रिप्लेस होने का है, तो ये मिल गया है, और एक किट जो है वो पिछली बार हो गया था, तो गाड़ी अभी अंदर ले जाया जा रहा है, और वहाँ पे साइड में ही लगा के साथ करे या अंदर करे पता नहीं। निकालिए, खोल कर निकाल कर देखिए, वाला अंदर जा रहा है भैया, अंदर इसको डाल रहे हैं। अब पुराना वाला यहाँ पे देखिए, यही टूट गया था ना, ये जो बांधा हुआ है, इसको रखें इमरजेंसी की, ले जाइएगा आप, हम वारंटी में भेजेंगे। अच्छा वारंटी में भेजिएगा। ये देखो यही टूट गया था, तो ये बना था, देख रहे हो ना, चिपका के फेविक्विक से पिड्डी लाइट क्या क्या लगा के तब इसे बनाया गया था, वहाँ पे वो जाके शिफ्टिंग करता है। अच्छा तो उसका नाम मास्टर सिलेंडर है, इसका नाम वो स्लीप सिलेंडर है। अच्छा ये स्लीप सिलेंडर है, हाँ ये मास्टर है आपका। अच्छा ये आपका स्लीप है, तो महंगा ये होता है, दोनों है, दोनों का रेट थोड़ा शायद उसका ज़्यादा महंगा है, इसका कम। ये ठीक है ना, अभी देख लिए, हाँ ये ठीक है। हम यार खाली
देखिए पिछला बार सर्विसिंग किया तो कोई ग्रीस लगा दिया, बोलते हैं हम बाहर कभी खुलवाए ही नहीं है इसको, देखिए ग्रीस लगा दिया। ऐसा लाल कलर यहाँ पे ग्रीस नहीं है सर, हम कभी आज तक इसको बाहर खुलवाए ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता जी इस गाड़ी को कोई छुआ होगा बाहर, मेरे अलावा कोई चलाता भी नहीं है जो हाँ कोई खुलवा देगा, हो ही नहीं सकता जो कोई बाहर खोल के ग्रीस लगा देगा। सर्विसिंग करवा के जिस दिन ले गए हैं उसी दिन खुला है, उसके बाद से एक दिन भी नहीं खुला है, क्यों लगा देगा ग्रीस यहाँ पे, हमको ये बात बताइए ना, जब कोई दिखते नहीं था इसमें तो क्यों ग्रीस लगा दिया, उसको पोछ दीजिए, नहीं काम है तो एक दो बार दो चार बार करना हल्का हल्का पंप। बस छोड़ दो, गाड़ी का जो भी काम था वो हो गया, अभी जाते हैं व्हीलिंग करवा कर आते हैं, व्हीलिंग करवाने चलते हैं फिर। गाड़ी बहा के ले गया का हवा में, गाड़ी का फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है। मिला मिल गया, हो गया निकाल दे इन्वर्टरी वायर। तो फाइनली यार जो सर्विस जो भी मेरा जो काम था वो हो गया है, अब चलते हैं घर क्योंकि बैटरी भी बचा है 4%, तो यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ ओके, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी बहुत जल्द मिलेंगे, एक गुड न्यूज़ के साथ मिलेंगे, तो बने रहो आप मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाओ यार सब्सक्राइब करो, और जितने भी सारे वीडियो हो लाइक करो, और इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन बाय बाय।